हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। सुबह स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी इस प्लेटफॉर्म में। टू मी के प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीईओ फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एनआईसीएल एओ अकाउंट्स के लिए जो हम बात कर रहे थे, कल भी हमने डिस्कशन किया था। रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, आपके पास अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 15 डेज बचे हुए हैं। ऐसे में आपको कैसे एक्सेल करना है, क्योंकि डेफिनेटली एक चीज तो है, आपने क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली उसमें आपकी पकड़ मजबूत होगी। अब आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो है जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ अपना सब्जेक्ट जो कि अकाउंट्स और फाइनेंस है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश भी प्रैक्टिस करते रहना है, साथ ही साथ जीए को ज्यादा फोकस करना है और जीए कैसा पढ़ना है जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होता हो, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए शॉर्ट स्टडी प्लान बनाया है, वो हम आपके को प्रोवाइड करेंगे। आप उसको एक बार जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, सो दैट क्या आपके माइंड में वो सारी चीजें रहें कि आपको क्या कवर करना है। ओके, सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे डिफरेंट है वो एक है जनरल अवेयरनेस, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा। एंड अगेन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्रोफेशनल पार्ट है, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा ऑफकोर्स, वो भी 40 मार्क्स का है। इसके अलावा जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है, तो ये तो क्योंकि प्रीलिम्स में भी किया है, तो आई होप कि आपका ठीक चल रहा होगा, आप इसको बेटर कर ही लेंगे। जनरल अवेयरनेस और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए जो प्रोफेशनल वाला पार्ट है उसमें ज्यादा फोकस करने, क्योंकि ये दोनों मिला के आपका 80 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, और इसमें आपको टाइम भी सफिशियंट दिया रहता है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 1/4, वो आपको ध्यान रखना है। तो इन दोनों को फोकस करते हुए अब आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, रटने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट रीड करने की कोशिश करनी है, आप कम से कम कवर कर ले। इस बार सबसे बेस्ट क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो हमारा बजट है यूनियन बजट, वो रिलीज हुआ जुलाई में, इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ जुलाई में, तो जितनी भी न्यूज होती है, डेटा होता है, वो सारा का सारा कहाँ से शुरू होता है, यूनियन बजट से। तो आपके पास मैक्सिमम जो आप पढ़ सकते हैं वो है जुलाई तक का, तो जुलाई तक का आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन इसकी बात इसमें नहीं है। आप क्योंकि आपके पास देखिए नवंबर में एग्जामिनेशन है, नवंबर 17 को एग्जामिनेशन, नवंबर का कुछ पार्ट वो पूछ सकते हैं, बट हमारे पास क्या है, अक्टूबर है, सेप्टेम्बर है, अगस्त है, एंड देन जुलाई है, केवल 4 मंथ है। तो 4 मंथ का कवर आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या कवर करना होता है, जितना भी जनरल अवेयरनेस है रिलेटेड टू फाइनेंस और उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं। ओके, और ये कहाँ से कवर हो जाती है, बीपीडिया से, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल फ्री मिलता है, और जिन्होंने जिनके पास भी कोर्स है तो वहां पे आपको कोर्स में तो वो दिख ही जाएगा। ओके, तो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जनरल अवेयरनेस के लिए। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसा इसको आप डे वाइज बाइफर्केट कर सकते हैं, सो दैट कि थोड़ा सा आपको पढ़ना आसान हो जाए। ओके, ये 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए। लेटर राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, उसको अच्छे से करके जाएंगे। अकाउंट्स के सिलेबस को डिटेल्ड में डिस्कस करना है तो ये वीडियो है, इसको आप देख सकते हैं, ओवरऑल ये सिलेबस है ना। बट यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आपको डे वाइज कैसे टारगेट लेके चलना है, क्योंकि डे वाइज टारगेट लेके चलना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखेंगे ये हमने आपके लिए स्टडी प्लान बनाया हुआ है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ये अकाउंट्स के लिए हमने 15 डेज का रोड मैप बनाया है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है 50 वैकेंसीज हैं, ओवरऑल जर्नलिस्ट में 120 है, ओवरऑल 170 वैकेंसी, ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको करना है, डेली टॉपिक वाइज हमने दिया हुआ है, इंग्लिश में, रीजनिंग में, क्वांट्स में। मैंने 31st और 1st को नहीं लिया है, क्योंकि डेफिनेटली आप भी दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, बट आपके पास टाइम है तो आप उसमें पढ़ाई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ 2nd नवंबर से इसको टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जितनी फाइनेंशियल अवेयरनेस होते हैं, इसके टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आपको मिल जाएंगे, तो वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देन बेसिक अकाउंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 2 दिन में एक टॉपिक लेना है, क्योंकि डेफिनेटली टॉपिक काफी बड़ा है जिसमें आपको मैक्सिमम टाइम लगेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना है। अब अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर हमारे पास 6 आवर्स का डे है, तो 6 आवर्स का डे में आपको 3 आवर्स तो यहाँ पे देने हैं एटलीस्ट, और फिर 3 आवर्स इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के देने हैं। ओके, इसको अगर आपको लगता है कि क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश अब बेटर हो चुका है, तो 2 आवर कर दीजिए, यहाँ पे 4 आवर कर दीजिए, इस टाइप का रेशियो लेके आप चलेंगे, बट इससे कम तो नहीं लेके चलना। 2 घंटे से कम क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करनी है, और सिमिलरली कम से कम 3 घंटे या उससे ऊपर आपको जनरल अवेयरनेस और अकाउंट्स पढ़ाई करनी है। 8 आवर्स आपके पास है तो फिर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने टारगेट दिया है कि किसमें कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा एक अपने लिए टारगेट डिसाइड करने में। ओके, और बहुत ज्यादा नहीं है, देखो 2 DI करने कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है, और वो जब आपने कर ही लिए तो फिर आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे क्या देखिए, बीपीडिया है, इकोनॉमिक एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल करेंट अफेयर्स है, ये कौन से मंथ का है, जुलाई मंथ का है, साथ ही साथ आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़नी है। ओके, और फिर यहाँ पे देखेंगे अगस्त का है, सेम चीजें,
बीपीडीएफ कवर करनी है, मंथली बीपीडीएफ होती है, मंथली बीपीडीएफ आप कवर कीजिए, एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। सिमिलरली बैंकिंग, इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको कवर करने हैं। वीडियोस भी होते हैं, शॉर्ट वीडियोस, वो भी आप देख सकते हैं। रिपोर्ट्स होती है उस मंथली, और मंथली क्विज होते हैं। ये करना है, सारी चीजें पढ़नी, उसके बाद मंथली क्विज देना है, इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे कि सेप्टेम्बर के लिए टारगेट और ये टैक्सेशन, यहाँ पे अक्टूबर ऑडिटिंग, ये आपको ऐसे लेके चलना है, और कौन सी इंग्लिश तो आप साथ में लेके ही चलेंगे। बस ये इतना ही है अक्टूबर, क्योंकि नवंबर को हम बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर सकते, बट उस टाइम तक जो वीकली बीपीडीएफ होंगे आप उसको कवर कर लीजिएगा। उसके अलावा तो इस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। साथ ही साथ कंपनी लॉ आपको पढ़ना है अकाउंट्स में, और रिवाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, मॉक टेस्ट। हमने यहाँ पे बीच बीच में बहुत जगह लिखा है आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। आपको अभी टारगेट रखना है, आपके पास 15 डेज है, कम से कम 3 मॉक टेस्ट आप जरूर करेंगे दोस्तों। आप स्टार्टिंग में ना हमें लगता है 3 क्यों सर, हम तो 15 कर देंगे, 15 क्यों, तो 30 कर देंगे, वो सब कहने की बातें होती है। आपको भी पता है कि रियलिटी कितनी डिफरेंट होती है और डिफिकल्ट भी होती है। तो एटलीस्ट 5 डेज के इंटरवल में एक कंप्लीट मॉक टेस्ट टारगेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट आप देंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। टाइम मैनेजमेंट से लेकर सारी चीजें हमें पता चलती है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होती है, तो ये आपको जरूर करके चलना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ पे समझ आता है। ये टॉपिक्स हैं अकाउंट्स के, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल, इसका ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा फॉलो करते हुए चल सकते हैं। ओके, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, और इसका कोर्स भी हमारे पास है, जिसमें लाइव क्लासेस वगैरह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस जिसमें कि हमारा डिस्कशन रहता है, अकाउंट्स के बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके आप लाइव रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा, और क्वांटिटी इंग्लिश की भी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, साथ साथ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। 15 डेज में बहुत सारा कुछ नहीं हो सकता, बट 15 डेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप जरूर कवर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैप्पी दिवाली स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।